के लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस। मोसेस कैसे प्लांट्स हैं? मोसेस प्लांट्स ब्रायोफाइट्स में आ जाती हैं, ये भी एम्फीबियन प्लांट्स हैं। मोसेस प्लांट्स ये ब्रायोफाइट्स की सबसे एडवांस प्लांट्स में आ जाती हैं। अब हम आए इसके लाइफ साइकिल की तरफ। देखें, जब हम किसी भी प्लांट्स की लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करें तो हर प्लांट्स की लाइफ साइकिल में दो स्टेज आ जाती हैं। एक को क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट, और दूसरे को क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइटिक जनरेशन वही है जो गैमेट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। स्पोरोफाइटिक जनरेशन या स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी वही है, ये क्या कर लेते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यही गैमेट्स और स्पोर्स ये क्या कहलाते हैं? रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव सेल कहलाते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल से मुराद ये कि ये ऐसे सेल होते हैं जिनके थ्रू ये जानवर क्या कर लेते हैं? अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। यानी पौधे स्पोर्स के थ्रू भी अपनी नस्ल को आगे बढ़ा लेते हैं और पौधे गैमेट्स के थ्रू भी अपनी नस्ल को आगे बढ़ा लेते हैं। तो पौधों के लाइफ साइकिल में एक ही पौधा अपनी लाइफ साइकिल के दौरान गैमेट्स प्रोड्यूस कर लेता है, तो मीन वो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी से बन रहे हैं। एक ही पौधे की लाइफ साइकिल के दौरान जब स्पोर्स बन रहे हैं तो मीन वो उसकी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी से बन रहे हैं। एक ही प्लांट बॉडी में गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी भी है और उसमें स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी भी है। हाँ, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट है और कुछ में स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी कैसी है? डोमिनेंट है। जिस तरह ब्रायोफाइट्स हैं, मोसेस प्लांट्स हैं, इनकी मेन एंड डोमिनेंट प्लांट बॉडी के गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है। अब आते हैं इसकी लाइफ साइकिल की तरफ। लाइफ साइकिल में क्या होगा कि जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है ये दो है, एक को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं और दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। ठीक, अब मेल गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडियम पाया जाता है और फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम मौजूद है। एंथ्रिडियम के अंदर क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे और आर्चिगोनियम के अंदर क्या बनेगा? एग बनेगा। स्पर्म हमेशा बायफ्लैजेलेटेड होते हैं कि मोटाइल होते हैं और एग कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनमें से ये एंथ्रिडियम है और ये क्या है? आर्चिगोनियम। एक एंथ्रिडियम है और दूसरा क्या है? आर्चिगोनियम है। एंथ्रिडियम के अंदर क्या बनेंगे? स्पर्म बनेगा और आर्चिगोनियम के अंदर क्या मौजूद है? ये पोर्शन इसकी वेंट्रल साइड है, यहां पे ये क्या मौजूद है? ये इसका एग मौजूद है। ये क्या चीज है? इसकी एग है। अब कैसे कि एंथ्रिडियम के अंदर जब पानी दाखिल होगा तो यहाँ से ये स्पर्म रिलीज होकर कहाँ पे जाते हैं? आर्चिगोनियम के अंदर जाते हैं। तो आर्चिगोनियम के अंदर जाके वहाँ पे एग मौजूद है, उसी एग के साथ ये कैसे होते हैं? फ्यूज हो जाती हैं। यानी जब स्पर्म एंथ्रिडियम से रिलीज होकर आर्चिगोनियम के अंदर जाके एग के साथ फ्यूज होते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। यानी एग और स्पर्म का मिलना ये हमें क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में हमेशा क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। यही फिर ये जायगोट फिर क्या होगा? जायगोट की साइज इंक्रीज हो जाती है। साइज इंक्रीज होने के बाद ये जायगोट मुख्तलिफ सेल में डिवाइड हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो कहलाएगा। एम्ब्रियो फिर एक प्लांट बॉडी में तब्दील हो जाते हैं जिसे क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में क्या मौजूद है? कैप्सूल मौजूद है। अब स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी की स्ट्रक्चर ऐसी है, अभी एक ही गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइटिक पोर्शन हो गया, ये स्पोरोफाइटिक। देखिए गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी से क्या बना है? स्पोरोफाइटिक। ये पौधा जो स्पोरोफाइटिक पोर्शन है ये हमेशा गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी से बना है। अब ये क्या कहलाएगा? कैप्सूल कहलाएगा।
ठीक है, इस कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, जिसे हम स्पोरेंजियम भी कहते हैं। इसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स कब बनेंगे, जब स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में हम कहते हैं कि मियोसिस की अमल होगी कैप्सूल के अंदर या स्पोरेंजियम के अंदर, या हम कहते हैं कि स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में, तो इसके नतीजे में, मियोसिस के नतीजे में हमेशा ये क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं प्लांट्स, स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये स्पोर्स फिर नीचे जमीन पे आके गिर जाते हैं, यानी ये स्पोर नीचे मिट्टी पे आ जाते हैं, गिर जाते हैं, इनको फिर नमी मिलती है। नमी मिलने के बाद ये स्पोर इस तरह यूं ग्रो कर लेते हैं, ग्रो करके एक एल्कल लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा, जो क्या कहलाएगा, प्रोटोनीमा कहलाएगा। प्रोटोनीमा क्या है, जब ये स्पोर्स कैप्सूल से निकल जाते हैं, कैप्सूल रैप्चर होती है, कैप्सूल से रिलीज होके नीचे आके कहीं गिर जाते हैं, या हवा के थ्रू कहीं जाके गिर जाते हैं, वहाँ पे इनको नमी मिलेगी। नमी मिलने की वजह से ये स्पोर्स ग्रो करके एक एल्कल लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा कहते हैं। फिर इसी प्रोटोनीमा में दो आउटग्रोथ आ जाते हैं, दो बर्ड्स आ जाते हैं, दो आउटग्रोथ आ जाते हैं, दो बर्ड्स आ जाते हैं। तो इनमें से एक बर्ड्स ग्रो करके मेल गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में तब्दील होगा, और दूसरा बर्ड्स ग्रो करके फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में तब्दील होगा। इसी तरह गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी हमेशा स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में तब्दील होगा, और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी हमेशा गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में तब्दील होगा। ये अमल क्या कहलाएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं, तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये कि स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी की डेवलपमेंट हमेशा जायगोट से होती है, और गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी की डेवलपमेंट हमेशा स्पोर से होती है, क्योंकि ये लाइन स्पोर्स की इस तरफ है और यहाँ पे जायगोट के इस तरफ है। तो जायगोट हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, जिसकी वजह से जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बनती है वो भी कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। यहाँ पे हम डिप्लॉयड लिखते हैं, डिप्लॉयड को 2n से ज़ाहिर कर लेते हैं। डिप्लॉयड का मतलब ये कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे डबल है। और गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी हमेशा स्पोर्स से बनते हैं, स्पोर्स मियोसिस की वजह से बनती है, मियोसिस की वजह से जो भी सेल्स बनते हैं वो हमेशा एप्लाइड होते हैं। तो स्पोर्स से गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बन रही है, तो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी कैसा होगा, एप्लाइड होगा। ये कैसे होते हैं, एप्लाइड होते हैं। एप्लाइड को सिर्फ यहाँ पे एम से जाहिर कर रहे हैं, यानी जब हम किसी भी प्लांट्स की लाइफ साइकिल को स्टडी करें तो उसकी लाइफ साइकिल के दौरान गैमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज दोनों आ जाते हैं। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी हमेशा गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में तब्दील होगा, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी हमेशा स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में तब्दील होगा। तो ये अमल क्या कहलाएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस के बारे में। थैंक यू।